गया कि पुलिस वाले आए हैं, आप खुद पुलिस वाले हैं। नहीं, तब आपको रुक जाना लॉर्डशिप, चाहिए था। अगर ऐसी की ऐसी स्टोरी मान ली जाए तो भी देट इज नॉट पॉसिबल कि छह पुलिस वाला आए और झूमे झटकी कर और उसके लॉर्डशिप हाँ लास्ट क्या हुआ क्या नहीं उसके This is the application under section 482, placement of the FIR. Offence is under section 353 and 332 of IPC. Lordship, in this case, as per prosecution story, थोड़ा सा in short में Lordship को बताना चाहता हूँ कि इसमें Lordship खंडवा पुलिस का एक दल, उसमें साथ में थानेदार थे, एक ASI था और चार पुलिस वाले थे, छह लोगों का एक दल बाणगंगा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक एक्यूज को अरेस्ट करने आता है, ऐसा इनका कहना है, विदाउट यूनिफॉर्म, कोई यूनिफॉर्म में नहीं थे वो। वो वहाँ पे एक संदेही रहता है राघवेंद्र सिंह, उसको अरेस्ट करने आते हैं। पास में उसके घर के पास में संदेही का भाई है मनोज चौहान, जो कि खुद ही एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी रहता है, वो इसमें एक्यूज है, उसको एक्यूज बनाया है। तो लॉर्डशिप ये विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं और विदाउट यूनिफॉर्म आके राघवेंद्र सिंह को है वो अरेस्ट करके ले जाने का झूमा झटकी और मारपीट करके ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसके भाई का इतना तो लॉर्डशिप ड्यूटी है कि वो इनसे पूछे कि भाई आप इसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस में अरेस्ट कर रहे हैं। इस पे से इन्होंने एलिगेशन लगाया, तुरंत जाके थाना बाणंगा पे FIR रजिस्टर्ड करी इसकी कि इसने हमारे साथ झूमा झटकी करी पुलिस ऑफिसर ने। जबकि लॉर्डशिप दैट इज नॉट पॉसिबल कि छह पुलिस वाले आए और एक पुलिस वाला झूमा झटकी कर, ये तो है। अब लॉर्डशिप इसमें सबसे बड़ा जो मेरा ग्राउंड्स है वो देखें आप लॉर्डशिप, जो थाना बाणगंगा है उसके अंदर जो FIR रजिस्टर्ड की वहीं के थानेदार को इसकी जांच दी गई, इससे इसके संबंध में जांच अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गया, चालान पेश कर दिया है, लेकिन एक जांच अलग से IG साहब ने इसमें एक जांच करवाई थी, उस जांच की रिपोर्ट मैंने पेश की है जिसमें जावक नंबर वगैरह सब पूरे नंबर्स डले हुए हैं, लेकिन वो उसको पार्ट ऑफ चालान नहीं बनाया है, वो मैंने पेश किया लॉर्डशिप। अब उसका लॉर्डशिप आई वांट टू रीड द रिलेवेंट पेरा दिस रिपोर्ट, आई वांट टू रीड दिस रिलेवेंट पेरा लॉर्डशिप, इसका जो मैंने पेश की है अलग से पेश की है। ये पेश की लॉर्डशिप मैंने 22/11/2023 को, इसका रिलेवेंट पेरा जो है पूरा कंक्लूजन जो निकाला है इस जांच का, थाना प्रभारी खालवा जिला धार श्री PR डावर, जो कि इसमें कंप्लेंट हेड है कि उनके थाने पे अपराध क्रमांक 100 धारा 100 भारतीय दंड विधान की विवेचना में थाना बाणगंगा क्षेत्र में आना बताया है। इनके द्वारा थाना पर किसी भी, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी दे, 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 सूचना नहीं दी गई और नहीं थाने में विवेचना में आने संबंधित आमद दर्ज कराई। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको है ना थाने पे आए हैं तो इसको प्रोसेस ये है कि इनको आमद दर्ज कराना थी, संबंधित थाने पे सूचना देनी थी, क्योंकि ये विदाउट यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं फॉलो किया, बता देते तो ऐसा नहीं होता। जी जी सर, कायमी क्या हुआ क्या है वो तो बताइए। बस हुआ सिर्फ लॉर्डशिप ये जो FIR का भी रिलेवेंट मेरा देखेंगे तो उसमें सिर्फ एलिगेशन इतना है, इतना सा एलिगेशन है, इसका भी मैं लॉर्डशिप आई वांट टू डू रिलेवेंट पेरा दिस FIR जो आपने फाइल की है 28/10/23 को, ये FIR है ना? जी सर, प्रेजेंट कर जी। संदेही राघवेन लोकेशन रघुवंशी कॉलोनी में अपने निवास क्षेत्र में घूम फिर कर तलाश किए जो नहीं मिले, जिनकी तलाश कर रहे थे पर आने पर उनकी तलाश निवास पर जाकर कि उपस्थित निवास पर मिला, जिसे अपराध सदर में नोटिस शामिल कराए, वास्ते पूछताछ विवेचना हेतु थाना बाणगंगा अमरा फोर्स लाने के दौरान संदेही राघवेन द्वारा आरक्षक 100 गौरीशंकर शर्मा को धक्का देकर भागने लगा, जिसे अब ये इसके ऊपर एलिगेशन है राघवेन के ऊपर, हमरा फोर्स की मदद से पुनः पकड़कर लाते समय संदेही राघवेन का भाई उप निरीक्षक मनोज सिंह चौहान नियासी रघुवंशी कॉलोनी, ये एप्लीकेंट है इंदौर जो कि वर्तमान में जिला धार पुलिस बल में पदस्थ है, आया वह मेरे फोर्स के साथ, ये एलिगेशन झूमा झटकी कर शासकीय कार में व्यवधान उत्पन्न किया। अब लॉर्डशिप झूमा झटकी कर शासकीय कार में कोई विदाउट यूनिफॉर्म 5-6 लोग आके और मेरे भाई को वहां से पकड़ के ले जा रहे हैं, मैं 353 में का अपराध क्यों करूंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ, मैं क्यों कानून को तोड़ूंगा, तो मैं उनसे मेरा इतना पूछना तो बनता है कि भाई इसको क्यों लेके जा रहा हूँ,
बस इतना था पूछा इसके ऊपर से नाराज होके, और जाके इन्होंने 353 में मेरे खिलाफ कायम ही करा दी। जबकि थाना प्रभारी बाणंगा थाना के खुद कहते हैं कि अगर ये आके आमद देते हैं यहाँ पे आवक जावक में और संबंधित थाने का पुलिस बल लेके जाते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। और लॉर्डशिप इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया, चालान पेश कर दिया, एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। जबकि मैंने लॉर्डशिप जो है मेरी पिटिशन के साथ इसी मोहल्ले के मोहल्ले के रहने वाले 20 लोगों के एफिडेविट फाइल किए हैं। 20 लोगों के, वो 20 के 20 लोग बोलते हैं, और वो 20 लोग भी लॉर्डशिप सामान्य लोग हैं। कोई वहां छोटी सी किराने की गुमटी चलाता है, किराने की दुकान चलाता है, इस प्रकार के लोग तो बयान देने से डरते हैं। जरा सा कोई पुलिस का घटना हो जाती है और पुलिस के खिलाफ जो कि बाणगंगा थाने के उसी क्षेत्र के निवासी है, वो सब बोलते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना हुई नहीं, कि झूमा झटकी हुई हो, ये हुई इस प्रकार की घटना। और होल द एलिगेशन सिर्फ ये है कि ये आया पुलिस वाला उनके साथ झूमा झटकी करी। झूमा झटकी में मतलब लॉर्डशिप में इतना तो पूछूंगा कि मेरा भाई को क्यों लेके जा रहा हूँ, इसके ऊपर से 353 की कायमी कर दी। इस प्रकार की कुछ चीज नहीं करी तो ये नेग्लिजेंसी तो इन्होंने पूरी करी। ये अगर समझाइश दे दी गई उसके बाद तो रुक जाते ना, तब तो पता पड़ गया कि पुलिस वाले आए हैं, आप खुद पुलिस वाले हैं। नहीं तब आपको रुक जाना। लॉर्डशिप अगर ऐसी कैसी स्टोरी मान ले जाए तो भी That is not possible कि 6 पुलिस वाला आए और झूमे झटकी कर और उसके उस लॉर्डशिप उसके बाद भी लॉर्डशिप आप देखें कि ऐसा नहीं है कि इसको पुलिस वाला पकड़ के नहीं ले गए। मैं एक अकेला आदमी 6 पुलिस वालों के अगेंस्ट कौन सी शासकीय कार में बाधा डाल सकता था, एक अकेला पुलिस वाला, 6 पुलिस वाले। और सकता था क्या, आप कर सकते थे वो थोड़ी देखेंगे। नहीं लॉर्डशिप, लेकिन ये रिपोर्ट तो देखेंगे जो थानेदार ने खुद दी है। ये थानेदार खुद बोल रहे हैं कि ये आए नहीं, आमद नहीं थी, सूचना नहीं थी, इस प्रकार की। तो ये प्रोसीजर रेगुलरिटी से इंसिडेंट अगर हुआ या नहीं हुआ उस पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो इंसिडेंट में लॉर्डशिप अगर कोई भी 5-6 लोग विदाउट यूनिफॉर्म आएंगे, अनजान व्यक्ति, वो मेरे घर से मेरे किसी सदस्य को लेके जाएंगे तो मेरी इतनी तो मॉरल ड्यूटी है कि मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्यों लेके जा रहे हो, तो इस पे से मेरे पे 353 दर्ज कर देंगे। ये तो मेरा राइट है लॉर्डशिप। और आरोपी को पकड़ने जब पुलिस बल आता है उसके बाद लॉर्डशिप इन्होंने इस तरह से लॉर्डशिप घटना कारी कि उन्होंने बताया भी कि पुलिस वाले हैं और ऐसा करके वो भी लॉर्डशिप ये रुके नहीं। और इनके जो स्टेटमेंट है उसमें स्टेटमेंट में भी स्पेसिफिकली एलिगेशन है कि इन्हें बताने के बाद भी लॉर्डशिप समझाइश देने के उपरांत भी ये नहीं माने, वो मेरे तन पर पहने शर्ट की कॉलर पकड़कर झूमा झटकी कर पूरी शर्ट का बटन तोड़ दिए और ज्योति द्वारा उसके अभद्र करतूत का वीडियो बनाते समय उसके धक्का मुक्की कर मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। और जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है मनोज सिंह चौहान द्वारा स्वयं पुलिस की नौकरी में होते हुए शासकीय कार्य में उपरोक्त अपराध सदन विवेचना करने से रोककर व्यवधान उत्पन्न किया। इसमें ऐसा भी कहीं नहीं लॉर्डशिप के हम पुलिस वाले हैं और आप मत बोलो हम इसको ले जा रहे हैं किसी के अंदर, ऐसा भी नहीं। सिर्फ समझाइश दी गई कि रुक जाओ। और मैंने कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं करा, मैं भी खुद पुलिस ऑफिसर हूँ लॉर्डशिप, मेरा इतने तो मेरी ड्यूटी बनेगी कि हर आदमी को किसी भी घर के सदस्य को लेके जाए तो उसका राइट से कि इसको काय में ले जा रहा हूँ, क्यों ले जा रहा हूँ। इसमें जो एक ये पुलिस थानेदार खुद रिपोर्ट दे रहा है कि ये इनकी गलती है, बता दिया ना आपने, रिपीट मत करिए वो चीज, सुन तो लिया आपको। और ये भी पुलिस ऑफिसर है लॉर्डशिप, इससे कितनी बार वही चीज बताएंगे, सुन तो लिया आपको, फैश नहीं करेंगे इसको। चालान फाइल हो गया है, आप जांच के समय सब ऑब्जेक्शन ले लीजिए। लॉर्डशिप मेरा ये कहना है इसके अंदर इतना सा कि इनको नोटिस होएंगे कम से कम, तो ये थानेदार साहब अपना रिप्लाई देंगे, इससे सब क्लियर हो जाएगी लॉर्डशिप की। उस टाइम भले ही नहीं हुए नोटिस होने से, ये इनका रिप्लाई में तो लिखेंगे कि जो इन्होंने जांच करी इसकी रिपोर्ट के बारे में तो लिखेंगे ये, क्योंकि चालान में तो इन्होंने ये रिपोर्ट ही गायब कर दी। मान तो रहे हैं उस रिपोर्ट को, कहां डिनाई करते हैं। तो इसके बारे में तो बताएंगे कि हमने जांच करी थी, क्या था क्या नहीं करा था, सत्य था, तो बताएंगे इसके बारे में, रिप्लाई पेश करेंगे। तो मेरा लॉर्डशिप भी निवेदन है कि इसमें नोटिस तो हो जाए कम से कम। ठीक है, देखते हैं।